हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो कम से कम 3 लोगों को ज़रूर शेयर करें। और सभी से आग्रह है विनम्रतापूर्वक कि अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि स्वप्नों, ठीक है, ड्रीम्स, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ड्रीम्स आते हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑनिरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑनिरोलॉजी कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखिए दूसरे नंबर में कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो कौन कवि थे अकबर के दरबार में, तो रहीम खान थे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो लंबाई के अनुसार सबसे लंबा जो है ये बांध है, हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है ये। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। सूर्य के 8 ग्रह हैं, पहले ग्रह जो थे प्लूटो, उसको अब बाहर कर दिया गया है। तो ठीक है, अब नहीं, ये नेक्स्ट देखते हैं। ये 5 नंबर में है कि प्रकाश वोल्टेज सेल होता है, तो ये सौर सेल होता है। ठीक है, सौर सेल होता है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं कौन है, तो ये थियोफ्रिस्टस हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक। नेक्स्ट है पंडित रवि, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं, तो ये संतूर के बहुत अच्छे वादक हैं। अगर आपको सुनने का मौका मिला होगा तो बहुत आपने सुना भी होगा, बहुत अच्छे वादक हैं ये। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, 8 विश्व के प्रथम, ठीक है, विश्व के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो ये वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर में कि ओजोन परत के क्षय होने के लिए जिम्मेदार प्रदूषक है, तो जिम्मेदार प्रदूषक है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चिड़िया घर का नाम क्या है, तो अलीपुर जूलॉजिकल पार्क है जो कि कोलकाता में है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्लाई एस है, फ्लाई एस क्या है, तो ये है एस की लघु कण। ठीक है, एस की लघु कण होता है। नेक्स्ट 12 नंबर में, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो ये बिहार है, 1106 है जनसंख्या घनत्व यहाँ का। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर में, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो YV रेड्डी थे। और दोस्तों 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह है, इस बात को भी याद रखना है। देखिए 14 नंबर में कि किस संविधान संशोधन द्वारा असम, ठीक है, असम स्टेट को जो है अलग करके एक नया राज्य, मतलब असम में से जो कुछ हिस्सा को अलग कर दिया गया, एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। तो ये है जो संविधान संशोधन हुआ था, वो 22वां संविधान संशोधन हुआ था 1969 में, जिसके तहत जो है मेघालय राज्य का निर्माण हुआ है। 15 नंबर में है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है, तो समयावधि है इसका 2015 से लेकर 2022 तक सभी लोगों जो है घर प्रदान कर देना है। नेक्स्ट 16 नंबर में कि भारत किस राज्य में, ठीक है, भारत किस राज्य में जो है वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो ठीक है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं अभी तक। 17 नंबर में कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से काजू का मुख्य उत्पादक जो है राज्य कौन है, तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है मुख्य उत्पादक राज्य काजू का। सेकंड जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, थर्ड में जो है उड़ीसा है, याद रखिएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो नेक्स्ट देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ, जो वित्त व्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है कि मुद्रास्फीति वाली घटना होती है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर में है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध
खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो ये लाल कुर्ती नाम था उनके द्वारा जो आंदोलन किया गया शुरू किया गया था उसको लाल कुर्ती कहा जाता है। अब दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान जो है महात्मा गांधी के भी अच्छे दोस्त थे और 1987 में इनको मिला था, भारत रत्न भी दिया गया था भारत विदेशी होने के बावजूद भी, और 1967 में जो है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई है केन्या में हुई है, ठीक है, केन्या के नियारी में इनकी मृत्यु हुई है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो 20 नंबर में है कि लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो सतारा हुआ प्रथम शिकार विलय नीति का डलहौजी के। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर में वैदिक देवता जो है इंद्र, इंद्र किसके देवता हैं? तो ये वर्षा और चक्रवात के जो है देवता माने जाते हैं इंद्र। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं, तो 22 नंबर में विक्रम संवत, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में और शक संवत 78 ईस्वी में हुआ है शक संवत। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये 23 नंबर में कादंबरी के लेखक कौन है? तो ये वानभट्ट हैं, ठीक है, वानभट्ट हैं और राजकवि थे हर्षवर्धन के वानभट्ट। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर में कि श्रमिक यानी लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रोजा हेविस्कस का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है रोजा हेविस्कस? तो ये गुड़हल, ठीक है, गुड़हल का जो है वैज्ञानिक नाम है रोजा हेविस्कस। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं, तो 26 नंबर में पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनसे संबंधित है, पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व है, तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये भारत की जनसंख्या घनत्व है। अभी तो बिहार मैंने बताया था आपको, पर बिहार की राज्य वाइज जो है बिहार का सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व। अब 28 नंबर में कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली में है ये, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। एक भारतीय सांख्यिकी संगठन भी है जो कि कोलकाता में है उसका मुख्यालय। अब भाई नेक्स्ट देखिए, तो डबलिन, ठीक है, डबलिन जो है, डबलिन शहर जो आयरलैंड में है, किस नदी के किनारे बसी है? तो ये लिम्फे नदी के किनारे बसी है, ठीक है, लिम्फे नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट है 30 नंबर में कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसका नाम क्या है? तो ये गुरु शिखर है, और ये जो अरावली पर्वत पर जो सबसे ऊंचा जो शिखर है गुरु शिखर, ये माउंट आबू के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो ये कोढ़ यानी लेप्रोसी के संक्रमण के लिए बहु औषधि चिकित्सा। नेक्स्ट देखिए दूध को, ठीक है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका किसका उदाहरण है? तो ये किण्वन का उदाहरण है, ठीक है, किण्वन का है। नेक्स्ट सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो अम्ल पाया जाता है एसिड, वो कौन सा है सिरके में? तो एसिटिक एसिड जो है पाया जाता है, एसिटिक अम्ल आई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर में प्राकृतिक गैस जो है उसका प्रमुख तत्व क्या है? तो ये मीथेन है, CH4। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं, तो 35 नंबर में है अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फारूखी, ये चार नाम को याद रखना है बहुत ध्यान से, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये उत्तर है महमूद गजनी के दरबार में ये चारों थे, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट देखिए किस वर्ष जो है बाबर ने जो है सुल्तान इब्राहिम, ठीक है, सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये है 1526 ईस्वी में लड़ाई हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसके बाद मुगल जो है मुगल साम्राज्य का जो है स्थापना हुआ था इसी साल। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर में कि भारत में प्रथम मोबाइल सेवा जो प्रारंभ किया सेवा को किसने प्रारंभ किया था? तो मोदी टेलीस्ट्रा ने किया था प्रथम मोबाइल सेवा को प्रारंभ। नेक्स्ट मणिपुर की, ठीक है, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है?
तो ये इरोम चानू सर्विला को जाना जाता है। और दोस्तों इन्होंने जो है दुनिया की सबसे लंबी जो है बहुत समय तक जो है भूखे रहने का रिकॉर्ड बनाया। 16 साल तक ये जो थी हंगर स्ट्राइक पे थी, ठीक है, 16 ईयर्स बहुत लंबा होता है समय, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखिए, 39 नंबर में पहले भारतीय जिन्होंने जो ग्रैमी लाइफ टाइम जो अवार्ड प्राप्त किया है, तो ये पंडित रविशंकर हैं। और दोस्तों अभी 55 ग्रैमी अवार्ड्स विजेता है ये पंडित रविशंकर, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर में प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान थे, हालांकि बाद में इनकी जो है हत्या कर दिया गया है। नेक्स्ट 41 में अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन थे, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया, यानी कब प्रारंभ हुआ, तो 1920 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट महात्मा गांधी किस कांग्रेस मतलब किस वर्ष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। एक ही बार महात्मा गांधी बने ही हैं अध्यक्ष कांग्रेस के, ये इसी समय बने थे। अब देखिए नेक्स्ट है 44 नंबर में कि हुमायूं नामा के लेखक कौन थे, तो ये गुलबदन थी हुमायूं नामा के लेखक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज और मराठा के बीच होने वाली, ठीक है, होने वाली जो है सूरत की संधि, ठीक है, सूरत की संधि कब हुआ था, तो 1775 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, और ये अपने पद से 6 साल के लिए एक तरह से चुने जाते हैं, या 6 साल या 65 वर्ष जो भी अधिक हो उसके अनुसार से है ये। अब 47 नंबर में है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। नेक्स्ट है 48 में, भारत में विद्युत उत्पादन करने में जो है सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो ये ताप विद्युत से जो है सबसे ज़्यादा हिस्सा है, ताप विद्युत जो होता है इससे, और जैसे कि परमाणु विद्युत भी इसका भी विकास किया जा रहा है, सोलर विद्युत भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन होता है वो ताप विद्युत से होता है। नेक्स्ट जो 49 में है कि किसी वर्णांध व्यक्ति को जो जिसको ब्लाइंडलेस है, तो किसी वर्णांध व्यक्ति को किस रंग को पहचानने में जो है कठिनाई होती है, तो ये हरा, ठीक है, ग्रीन और रेड, हरा और लाल जो है ये व्यक्ति को नहीं दिखता है जिसको ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब देखिए 50 नंबर में है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है, तो ये है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये दोस्तों ये थे 50 प्रश्न, और आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ये जो है आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।